आदि में रखते हैं तो आदतन कोई चीज कम शुरू हो जाए तो उसकी इम्पोर्टेंस खत्म होती है। फिर खास खास दिनों में जैसे शब मिराज आ रही है, लैलतुल कद्र आ रही है, शब मिराज गुजरी है, इसी तरीके से नबी पाक ने साहब साहब के मिलाद पाक के अय्याम हैं, तो मुसलमानों को जगाए रखने के लिए, उनकी ज़हनी तरबियत के लिए, उनके अकायदे सहिया के लिए, अकायदे सहिया इसलिए ज़रूरी है कि इतनी बात का सज्जल इबादत का बयान किया है, इसकी कबूलियत का दारो मदार अकीदा सहिया पर, अगर अकीदा गलत हो तो कोई इबादत एग्जिस्ट नहीं है, उसका वजूद ही नहीं बनता। अब मिस्र में ऐसे ऐसे सूफिया पैदा हुए थे, क्रिश्चियनिटी में टीचर में पड़े हुए, सोच क्या है हम चले काटते लालू में गए हैं वापस नहीं आए, जिंदगियां बीत गई, समझते हैं इबादत कर रहे, देखो कुछ नहीं बना, क्यों नहीं बना, अकीदा गलत था, अकीदे के गलत होने की सूरत में कोई इबादत कोई नतीजा नहीं होता। सुभान अल्लाह। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो गुलाम है वो तलवार लेके लड़ रहे हैं, मैदान अमल में है, खून बह रहे हैं, जख्म खुले हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े आदमी अपने फराइज को ना समझे, इबादत को इबादत समझे, लेकिन उस वक्त उसकी मां निकलेट हो रही है, वो ये ना समझे कि ये सबसे जरूरी इबादत है, उसका बाप नजरअंदाज हो रहा है, उसको ये ना पता हो कि बाप की ड्यूटी करनी बाकी इबादत के मुकाबले में ज्यादा जरूरी है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जो अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज गुजारी, रब्बे मेरे परवरदिगार अनजूरनी, अपना आप मुझे दिखा, अनजूर इलैक, मैं तेरी तरफ देखूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, अलग अलग तरानी तुम देख नहीं सकते, ये हुआ कि हम दिखाई नहीं सकते, वह देखने वाला कोई और है, तो नहीं देख सकते। लेकिन जब विश्वास किया जवाब में लंतरा नहीं है, इसी जगह बहुत शौक गुजार शायर है हमारे मुसलमानों को कहता है, याद मिस करती हूँ तुझे,
क्या सही तरीका है? ये सामने वाला पहाड़ देखो, वो पहाड़ कैसा था जिसमें रब की बारगाह में आने जाने पर सारा वक्त खर्च होता था। रब की बारगाह में आने जाने पर वक्त खर्च हो रहा है, ये मामूली बात है? बहुत बड़ी बात है। इस जगह तो साधु आ गया कि जो आने जाने का सिलसिला जारी रखिया माँ की बात मान। सुभान 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 अल्लाह। उनका ये सामने वाले पहाड़ पर आता जाता हूँ, वो सामने रास्ता है, अगर मुझे मिस करती है तो फिर ये सामने वाले पहाड़ के रब दे दिए। रात में कहा मूसा तुझे याद देना चाहिए, आधे वक्त भी तुम मेरी याद में आता है, जाते वक्त तुम मेरी याद में जाता है, आता है तो बातें करने के लिए आता है, जाता है तो बातें करके जाता है। रब से बातें करना, कराना, सुनना, सुनाना, ये सारा तेरा मसला है। ऐसी इबादत किसको भी असर आई है, पर तुझे पता नहीं कि ये दावत दीदार माँ की तरफ से है। अल्लाह अकबर। तो माँ की कानूनी फालत उसकी ऐसी है कि कानून ये चाहेगा कि अल्लाह की तरफ जाने माने वाले रास्ते में कुछ ताखीर लग जाए, लेकिन माँ को डेट न दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अज़मत व शान मुस्तफा, तालीमात इमाम अहले सुन्नत, नवासे रसूल हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम। माँ को पहाड़ दिखाया है, अब तू तालिबे दीदार है, तू भी पहाड़ मार। इससे मुझे भी और आपको भी सबक मिल रहा है कि नहीं? अब जिनकी माए बन गई वो समझे अब हम क्या करें। जिस काम से माँ जिंदगी में खुश होती थी उसे मरने के बाद वो काम करे। सुभान अल्लाह। माओ की आदत अपनी बेटियों को चोरी भी देती है, चोरी भी देती है, तो अपनी बहनों के साथ प्रभु को देखो माँ का मिला बाप की आदत है। बाप कहता है ईद वाले दिन सारे भाई मिल के खाना बैठो, अब उसे कमी बेसी में एक दूसरे के पास बैठा करो, कोई रिश्ता ना था एक दूसरे से मशवरा किया करो। अब बाप मर गया है, अब बाप को खुश करना चाहते हैं, जरिया आपके पास खुश करने का कोई नहीं। बाप की आदत देखें क्या थी, ये बड़ी महबूब आदत थी कि मेरे घर पैदा हुए हो, इससे मेरे में बचपन में इकट्ठा एक दस्तरखान पर बिठाता था, खाना खिलाता था, तो अपनी जिंदगी में ये मोहब्बत की रस्म हमेशा कायम रखो। आप अगर मिल के रहो भाइयों के साथ, मुरब्बत करो, अच्छा सलूक करो, प्यार करो, तो बाप का भी मेरा दिल हो जाएगा। ये मरने के बाद जलाने के भी प्रिंसिपल है। अब इसके बारे में इब्न कय्यिम ने, जो इब्न तैमिया का महबूब तरीन शागिर्द है, और ये जो हमारे मसाइल में इख्तलाफात की बुनियाद है, इब्न तैमिया है, इब्न कय्यिम है, ये लोग हैं। इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने जिसकी पैरवी की है वही इब्न तैमिया है। तो ये इन सब मामला के जो मुसनिफ हैं उन्होंने भी कहा है कि आप अपनी माँ को राजी करना चाहते हैं तो मरने के बाद वो काम करें जो माँ पसंद किया करती, माँ कब्र में राजी हो जाएगी। अब यहाँ तक उन्होंने लिखा, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा कि माँ को पता भी लगता है कि नहीं? अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राजी तो एक तभी माँ का नाम है, उसे तबीयत में जो तब्दीली आती है, लेकिन इदराक के बाद आती है या इदराक से पहले आती है? मसलन एक एहसास है मैं खुश होना चाहता हूँ, मुझे पहले कुछ पता चलेगा तो खुश होगा कि वैसे ही खुश हो जाऊंगा? खुशी अपने मुंह की बात मानती है। अगर माँ को पता खबर में नहीं लगता तो माँ